तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर इन दिनों सियासी संग्राम जोरों पर है और कांग्रेस सहित 19 विपक्षी दलों ने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। देखिए संवाददाता अभिषेक सिंह की ये रिपोर्ट। संसद उद्घाटन के कार्यक्रम को लेकर के देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। देश के लगभग 19 दलों ने साझा एक पत्र जारी किया है जिसमें यह कहा है कि हम लोग इस कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी, टीएमसी, कम्युनिस्ट पार्टी, सभी पार्टियां लगभग जो इस समय विपक्ष में हैं, वह एक मंच पर इस बात पर दिखाई दे रही हैं। वहीं इस राजनीति में समाजवादी पार्टी भी कूद गई है और समाजवादी पार्टी के आज राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह यादव ने कहा कि हम लोग भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इसके पहले भी कई दलों के नेताओं ने इस कार्यक्रम में नहीं भाग लेने की बात कही है। हालांकि यह बहस क्यों उठ के सामने आई, क्यों नई पार्लियामेंट जो भारत के लिए गौरव हो सकती है, जो खुद के भारत के लोगों द्वारा बनाई गई है, जो भारत के लिए एक गर्व का विषय हो सकता है, लेकिन विपक्ष इससे दूरी क्यों बना रहा है? तो बात सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, क्यों उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं किसी न किसी सवाल को लेकर के विपक्ष एक हो रहा है। अब 28 मई को पता चलेगा कि आखिर देश के कौन कौन से नेता वहां पहुंच रहे हैं, किस किस पार्टी के लोग वहां पहुंच रहे हैं और जिन लोगों ने आज साझा पत्र जारी किया है, क्या वह उसका बहिष्कार करते हैं या उनमें से भी कुछ लोग पहुंच रहे हैं। खबर अमरोहा से है जहां पर नए संसद भवन के उद्घाटन का विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे बहिष्कार की घोषणा के बीच आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी नए संसद भवन मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। जयंत चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति का सम्मान होना ही चाहिए, वो महज एक रबर स्टैंप नहीं है, उस पद का सम्मान होना चाहिए, उस पद की अपनी एक गरिमा है और जब देश में इतना बड़ा काम हो रहा है, देश की संसद बार बार तो नहीं बनाई जाएगी, संसद भवन हम सब के लिए है, देश का अधिकार उस पर है और जब उसका निर्माण हो ही गया है कम से कम उद्घाटन में इज्जत रखनी चाहिए थी, राष्ट्रपति को आगे रखना चाहिए था, प्रधानमंत्री को नहीं। देखिए राष्ट्रपति का सम्मान होना ही चाहिए, वे एक मैज रबर स्टैंप नहीं है, उस पद का सम्मान होना चाहिए, उस पद की अपनी एक गरिमा है और जब देश में इतना बड़ा काम हो रहा है, देश की संसद बार बार तो नहीं बनाई जाएगी, संसद भवन हम सब के लिए है, देश का अधिकार उस पर है और जब वो उनका निर्माण हो ही गया है तो कम से कम उद्घाटन में इज्जत रखनी चाहिए थी राष्ट्रपति को।